Okay, so yesterday we discussed about the Tyndall effect. So what Tyndall effect is actually, ये कौन कौन से solutions show करते हैं और ये effect कैसे show होता है, right? तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. Okay? If we give the definition of Tyndall effect, तो मैंने कल आपको एक picture share की थी जिसमें हमने क्या देखा था कि दो solutions थे हमारे पास. We were having two solutions, ठीक है? एक solution में से जो light थी वो pass होके नजर आ रही थी, but that was not seen in the other solution. Okay? Now why this happened? What is this phenomena? This is known as Tyndall effect. So Tyndall effect is basically scattering of light. ठीक है, you have seen that the light was scattering by the colloidal and suspension particles. Scattering of light by the colloidal and suspension particles. अब ये कब शो करते हैं, right? When they are going to show. Or what happens due to this? As a result, right? As a result of which, a path of beam becomes visible. ठीक है जी, तो सस्पेंशन या कोलाइड्स के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो इस लाइट को, जो हम लाइट जो है वो स्ट्राइक करवा रहे हैं पार्टिकल्स के ऊपर, वो उसको क्या कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें वो जो लाइट है, राइट, जो बीम ऑफ लाइट हमने पास करवाई थी, उसका पाथ जो है वो हमें नजर आता है. आई कैन शो यू यस्टरडे कि अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, वन इज दिस सॉल्यूशन and one is the other solution. ठीक है, तो अगर मैं इनमें से एक लाइट की सोर्स से लाइट जो है वो पास करवाऊंगी, तो एक सॉल्यूशन में से आपको वो लाइट नजर आएगी, बट दैट डजंट अपीयर टू यू फ्रॉम द नेक्स्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम द सेकंड सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो लाइट का पाथ आपको विजिबल हुआ है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस इफेक्ट एज टिंडल इफेक्ट. Okay, the visibility of the path of the beam of light that is visible to us, okay, due to the scattering of light. ठीक है, अब light को scatter किसने किया होगा, particles ने. Scattering का मतलब क्या होता है, बिखरना, right? What is the meaning of scattering here? बिखेरना. तो बिखेरा किसने होगा उस beam of light को, जो सीधी आ रही है उस light को किसने scatter किया, divert किसने किया होगा, जो उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, यानी कि उस सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के पार्टिकल्स. ओके, सो इन पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक की, तो व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट, एंड दैट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट इज विजिबल टू अस, एंड दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, इज इट क्लियर? अब आपने मुझे नेचुरल फिनोमिनास बताने हैं जिसमें आप टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हो. नेचुरली टिंडल इफेक्ट आप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हो? आपने कभी देखा है कि आपके रूम में अगर छोटा सा कोई होल है तो उसमें से लाइट आती है? हैव यू एवर सीन? जो फॉरेस्ट की कैनोपीज होती हैं, जो फॉरेस्ट की कैनोपीज होती हैं, उसमें एक ब्राइट सी लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है जब, राइट, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ट्रीज ही है आसपास, व्हेनेवर अ वेरी शार्प बीम ऑफ लाइट यू कैन सी, ओके, दैट आल्सो मार्क्स द टिंडल इफेक्ट, राइट. तो उसमें जो फॉग के पार्टिकल्स होते हैं ना, द पार्टिकल्स ऑफ द फॉग इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, दे विल एक्ट एज द कोलाइडर पार्टिकल्स. ठीक है,
हैपेंस इन केस ऑफ टू सॉल्यूशन। देखिए अब ये दोनों पार्टिकल्स क्यों स्कैटर कर पाते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स का जो साइज है वो ज्यादा है। वी हैव स्टडीड दैट द साइज ऑफ द कोलाइडल एंड द टू सस्पेंशन, द साइज ऑफ द कोलाइडल एंड द सस्पेंशन इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल्स, अब देखो एक स्मॉल पार्टिकल्स है, एक लार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, एक बड़ी चीज है, एक छोटी चीज है। अब लाइट के साथ जब स्ट्राइक करेगी तो कौन सी चीज जो है वो उसको ज्यादा स्कैटर कर सकेगी, जिसका साइज बड़ा है। नेचुरली जिसका साइज बड़ा है डैट विल हैव द कैपेसिटी टू स्कैटर द लाइट मोर। तो सेम चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोलाइडल और सस्पेंशन का जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन, इसीलिए दे हैव द कैपेसिटी टू स्कैटर द लाइट मोर। सो दैट्स व्हाई द टिंडल इफेक्ट इज वेरी क्लियर इन कोलाइड और सस्पेंशन केस में। बट यही अगर मैं ट्रू सॉल्यूशंस की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉल होता है। सो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे आर नॉट एबल टू स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, होना कुछ नहीं है, दो चीजें टकरा रही हैं जिसके कारण जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। ब्राउनियन मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, दो चीजें टकराई, दो चीजें कोलाइड की, लाइट का जो रास्ता था वो चेंज हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्राउनियन मोशन। अब हमने दो चीजें वो देखनी है। देखो लाइट के साथ जो चीज टकराएगी उसमें इतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि वो लाइट के पार्टिकल्स को उनका पाथ चेंज कर सके। ठीक है, बट ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में छोटे होने के कारण वो कोलाइड तो करते हैं बट लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स की स्कैटरिंग नहीं होती है, इसीलिए जो आपको टिंडल इफेक्ट है वो नहीं शो होता है उनके केस में। राइट, बट दैट इज श्योर इन केस ऑफ कोलाइडल एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स that are actually having the size of its particle greater. Size ज्यादा होने के कारण particles जो हैं वो light के particles को scatter कर देते हैं, उनका रास्ता change कर देते हैं। Due to the Brownian motion, they move in such a random fashion that they appear to us as a result of scattering of light. ठीक है जी, right? So in this case we will be discussing about the Tyndall effect and the Brownian motion. Brownian motion में क्या होगा, zigzag motion है particles का, जिसके कारण जो particles हैं टकराने के बाद एक दूसरे का रास्ता जो है वो change कर रहे हैं। That's okay. So Brownian motion, Tyndall effect जो है वो Brownian motion के कारण ही आता है, जो particles हैं उनकी movement के कारण ही आता है। Okay? हाँ जी, clear बेटा? Any doubt to anyone you can ask. चलिए अब वो टेबल कर लेते हैं इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। द टेबल इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो अब कौन कौन से तरह के कोलाइड्स होते हैं, ओके, सो यू हैव टू मेक अ चार्ट in which we will be writing the dispersed phase, dispersion medium, the type of collide and its example. Okay, dispersed phase, dispersion medium, next is type of collide और उनकी कुछ एग्जांपल्स। अब डिस्पर्शन फेस है यानी कि हमने वो चीज देखनी है दैट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, राइट? सो वी विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्टली गैस, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। पहले डिस्पर्श फेस इज गैस, थोड़ी सी गैस को मैंने ज्यादा लिक्विड में डाला है। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, थोड़ी सी गैस है, राइट? क्योंकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो हमने देखना है अब कैसा है। थोड़ी सी गैस ली है, उसको बहुत ज्यादा पानी में डाला हुआ है, तो ये टाइप ऑफ कोलाइड बनता है एरोसोल।
टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइड की कैटेगरी होती है बेटा, दिस इज एरोसोल। अब व्हाट कैन बी एग्जांपल, थिंक ऑफ मिस्ट, थिंक ऑफ फॉग एंड क्लाउड। जी, सो मिस्ट इज द एग्जांपल इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज द गैस, ठीक है, एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। सेकेंड कैटेगरी, अगेन डिस्पर्स्ड फेस आई एम मेकिंग इट कॉन्स्टेंट एज गैस, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम हम ले लेते हैं सॉलिड। अब थोड़ी सी गैस को मैंने ज्यादा सॉलिड में डाला हुआ है, ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड सेम कैटेगरी का आ जाता है, एरोसोल कहते हैं हम इसको, राइट। एरो का मतलब यहाँ पे एयर है, यानी कि गैस, ओके, एरो मीन्स गैस। अब यहां पर जो आपकी एग्जांपल्स आती हैं, दे आर स्मोक, डस्ट, स्ट्रॉम एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो सॉलिड चीजों के साथ मिक्स होती हैं, जैसे स्मोक भी है, स्मोक में हैवी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अलोंग विद दी गैसेस, ठीक है, तो ये इसको परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी गैस में ज्यादा सॉलिड डाला है। स्ट्रॉन्ग में भी, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग में भी गैसेस मिक्स होती है अलोंग विद दी हैवी सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी गैसेस हैं, ठीक है, स्मोक आ रही है, सो ऑल दीज थिंग्स दे आर फॉर्मिंग द डिस्पर्स्ड फेस एज गैस एंड द डिस्पर्जन मीडियम एज सॉलिड। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट में शिफ्ट करना है, जहां पर मैं डिस्पर्स्ड फेस ले रही हूँ लिक्विड। अब हमने ये अज्यूम करना है कि मैंने थोड़े से लिक्विड को किसमें डाला है, ज्यादा गैस में डाला है, थोड़ा सा लिक्विड है प्लस जो गैस है वो ज्यादा, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू फॉर्म। हाँ जी, फॉर्म की एग्जांपल आपने नॉर्मली देखी हुई है, फॉर्म की एग्जांपल लिक्विड फॉर्म, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। जी दिव्या मैम, शेविंग क्रीम्स। वेरी गुड, देखी हुई है सबने शेविंग क्रीम में से जो फॉर्म निकलती है, ठीक है, तो उसमें थोड़े से लिक्विड को ज्यादा गैस में डाला होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ शेविंग क्रीम। और क्या एग्जांपल हो सकती है कि थोड़े से लिक्विड को ज्यादा गैस में डाला हुआ है? ऑल ऑफ यू हैव सीन सोडा वाटर, गैस में हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, सो दिस आल्सो फॉर्म्स द एग्जांपल ऑफ फॉर्म इन विच अ लिटिल लिक्विड इज देयर इन द मोर गैशियस स्टेट। हाँ जी, क्लियर बेटा यहां तक, इज इट क्लियर? तो ये आपको 1-1 mark के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, दैट इफ द डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, नेम द टाइप ऑफ कोलाइड, तो आपको टाइप ऑफ कोलाइड बताना पड़ेगा, या आपको एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, और रिवर्स कैन बी आस्क्ड, आपको एक दे दिया कुछ शेविंग क्रीम जैसे मैंने दे दिया, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड एज शेविंग क्रीम, okay, so you have to tell the type of collide plus its dispersed phase and the dispersion medium, so aise bhi question puch sakte hain, theek hai, okay, coming to the next now, so abhi humne thodi si gas ko zyada liquid mein, sorry, thode se liquid ko zyada gas mein dala tha, now we will be converting an emulsion in which we are having dispersed phase liquid, dispersion medium bhi hum liquid lete hain, theek hai, aur ye jo type of collide aata hai isko hum emulsion kehte hain, think of some examples of emulsions beta,
थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ एमल्शंस, आप बहुत देखते भी हो इसको. जी रमनी. यस मैम, मिल्क एंड फेस क्रीम. वेरी गुड, मिल्क एंड फेस क्रीम. यस अर्शप्रीत. मैम कोड लिवर ऑयल, आइसक्रीम. हाँ जी. और व्हाट अदर एग्जांपल्स कैन बी बेटा? कोड लिवर ऑयल, आइसक्रीम. और लवलीना मैम, पेंट. पेंट इज आल्सो एन एमल्शन. ऑयल पेंट्स. ऑयल इन वाटर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? पेंट में भी ऐसा ही होता है, ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने वाटर ऐड किया होता है, राइट. मेडिसिन जो आप लेते हो, द लिक्विड मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप, दैट आर ऑल्सो द एमल्शन, ठीक है. जो लिक्विड सिरप आप प्रेफर करते हो मेडिसिन में, दैट आर ऑल्सो एमल्शन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एमल्शन. Now third one. Now again we will be treating the liquid, but now we will be adding more of solid. ठीक है, थोड़े से liquid में बहुत ज़्यादा solid add कर दिया अब मैंने. So what will happen? हाँ जी, what will happen? It is going to give you soul. It is going to give you soul. ठीक है. अब पेंट्स में जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है ऑयल एंड वाटर, ठीक है, पेंट्स में मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑयल एंड वाटर अगर होगा तो वो इमल्शन बनाएगा पेंट का. अगर हम लिक्विड को, थोड़े से लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हैं, डेट ऑल्सो फॉर्म द पेंट. तो ये पेंट्स एज अ सोल आएंगे हमारे पास यहाँ पे, जहां पर थोड़े से लिक्विड को ज्यादा सॉलिड में एड करेंगे. ओके, मड इज ऑल्सो अ सोल. मड में भी थोड़े वाटर वेपर्स होते हैं, बाकी जो भी सॉलिड चीज होती है, क्ले, सैंड, ऑल दीज पार्टिकल्स, दे फॉर्म द सोल. ठीक है जी. उसके बाद हम कुछ गोल्ड सोल्स, ठीक है, कुछ सोल जो है वो हम केमिकली भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज गोल्ड सोल. ये एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज करते हैं, ठीक है. गोल्ड सोल, क्लियर बेटा यहां तक? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अब मैं डिस्पर्जन, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक dispersion medium as solid. और उसमें हम डालते हैं गैस, राइट. ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू फॉर्म. अगेन ये भी आपको एक फॉर्म की फॉर्म में देगा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी फॉर्म आ जाती है, जैसे रबर की फॉर्म्स होती हैं. क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं, अब हम सॉलिड फॉर्म्स की बात करें, जो चीजें सॉलिड में कंप्रेस हो सकती है. तो सबसे पहले स्पॉन्ज की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्यूमाइस स्टोन, नेक्स्ट इज क्यूमाइस स्टोन. तो ये भी जो है एक स्पॉन्जी टेक्सचर का होता है क्यूमाइस स्टोन, राइट. आपने रबर की फॉर्म्स भी देखी होंगी, यू मस्ट सी रबर फॉर्म्स, ठीक है. ओके, so coming to the next is
अब उसके बाद we will be taking dispersion phase as again dispersion medium as solid और उसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड ऐड करना है. ओके, डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड, सॉलिड में थोड़ा सा हमने क्या ऐड करना है, लिक्विड ऐड करना है. तो डैट इज गोइंग टू गिव यू जेल. ठीक है दिया, तो यहाँ पर हमें जेल्स मिलेगी. अब जेल वाली सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जेली हो गई, बटर हो गया, ओके, जेली हो गई, बटर हो गया, देन एक्स्ट्रा यू कैन इंक्लूड चीज ऑल्सो, कर्ड ऑल्सो, दे ऑल आर हैविंग जेल लाइक टेक्सचर. ठीक है, इन सब का जेल लाइक टेक्सचर होता है. इसमें आप जेल वाली मेडिसिन भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट? तो कुछ मेडिसिन आपकी जेल की फॉर्म में होती है ना, यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो. Now coming to the last is solid that is again sole. थोड़े से solid को थोड़े से liquid में mix कर दिया है, that is again giving you sole. Right? तो यहां पर हमारी example आ जाती है solid में solid mixing की. सबसे best example है alloy. ठीक है, जहां पर हम दो सॉलिड्स को, मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं. जेमस्टोन्स आते हैं हमारे, यू ऑल हैव सीन जेमस्टोन्स. ठीक है, ग्लास, सो दे ऑल इंक्लूड द एग्जांपल्स ऑफ सोल्स, राइट? ठीक है बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो इनकी एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं पेपर में, राइट? इनके टाइप्स पूछ सकते हैं, और यू कैन बी आस्क्ड अबाउट देयर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन, राइट? ओके, हाँ जी. सो टिल नाउ वी हैव डन अबाउट द सॉल्यूशंस एंड देयर कॉम्पोजिशन, किससे बने हैं, क्या चीजें उनको फॉर्म कर रही हैं. लवीना, आर यू हैविंग एनी डाउट, और यू कैन लोअर योर हैंड. ओके, ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. अब हम आगे चलते हैं टू द सेपरेटिंग टेक्निक्स. ओके, व्हाट आर एक्चुअली सेपरेटिंग टेक्निक्स? हमने बात कर ली है कि हमारे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, कोलाइड्स में डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सेपरेट देम. अगर मैंने सॉल्यूट को अलग करना है, सॉल्वेंट को अलग करना है, राइट, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सो We will be employing some techniques. हम कुछ techniques का use करते हैं. उन techniques को हम क्या कहते हैं? The separating techniques or separation techniques. Okay? So there are a number of separating techniques we are having, right? That we will be discussing in the next class. Okay? In the next week. But till now you have to study right here. Okay? यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लेना. अब मैं आपको एक rough idea दे देती हूँ कि कौन-कौन सी separation techniques हमने study करनी है. Evaporation, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है, पानी को हम सेपरेट कर देते हैं. सबलिमेशन, दैट यू ऑल्सो डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कुछ चीजें जो है वो सबलाइन कर जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें सबलाइन कर जाती हैं और पीछे जो है वो दूसरा कॉम्पोनेंट रह जाता है. ओके, द थर्ड टेक्निक, वो भी मैंने आपको रफली बता दी हुई है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कोलाइड्स. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम कोलाइड्स के लिए एम्प्लॉय करते हैं, जिसमें हम उसको वेरी हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, तो एक कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है, दूसरा कंपोनेंट इट राइज अप. ओके, तो दीज टेक्निक्स वी विल बी डिस्कसिंग. जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन पे पढ़ के आते,
राइट, फिल्टर करना है हमने दो चीजों को, तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड हम सस्पेंशन के लिए चला सकते हैं. ओके, मैग्नेटिकली कुछ कॉम्पोनेंट को सेपरेट करना है तो मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट हम चलाएंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड विल बी एम्प्लॉय. ओके, सो वी विल बी यूजिंग दीज सेपरेटिंग टेक्निक.